दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक न्यू वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में मेरे चैनल का सबसे पहला रिव्यू करने वाला हूँ जो कि RS फ्यूचर की तरफ से 360 डिग्री पे घूमने वाला ट्राइपॉड है, काफ़ी चीफ, जो कि आप जैसे थंबनेल पे देख पा रहे हो कि मेरे को जो 58 रुपये का पड़ा और एक्चुअल प्राइस इसकी कुछ हो रहा है, बट मैंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से मेरे को 58 रुपये इसका पड़ा और वो किस तरीके से है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप भी कर सकते हो शायद अगर आप उसके कैपेबल हुए तो। और वीडियो के अंत तक बने रहना, इसका रिव्यू करते हैं। और ये जो अमेज़ॉन की तरफ से मेरे को आ चुका है, ये देखिए, वैसे मैंने इसको ऑर्डर जो किया था एक मतलब पहले किया था, बट किसी कारण से मैं इसको ओपन नहीं कर पाया था, और बट मैं अब इसको रिव्यू उसका करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं ये कैसा है और स्टार्ट करते हैं। ये इसका बिल आ चुका है जो कि शायद आपको पता नहीं दिखे ना दिखे, जो भी है, इसको एक बार हम यहाँ पे साइड में इसके अंदर ही रख देते हैं। ये आ चुका है अपना ट्राइपॉड और इसको एक बार साइड में रख देते हैं। काफ़ी मतलब कि सेफ उन्होंने मतलब कि प्रोटेक्शन के साथ डिलीवर करते हैं अमेज़न वाले। वाह क्या सिक्योरिटी है यार इनकी, है क्या बात है, अरे ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये आ चुका है डब्बा, अब इसको भी करें ओपन, तो क्या बात है यार, सिक्योरिटी तो पूरी अच्छी है। अरे वाह ये तो पहले ही निकल गया, ठीक है। और ये डब्बा हो गया खाली, इसको भी हम यहाँ पे एक बार साइड में रख देते हैं। ये वो है हैंग जिस पे आप अपना मोबाइल लगा सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे करके। और बाकी ये आपको फिट मैं करके दिखाऊंगा कैसे, फिलहाल आप भी इसको खोल लेते हैं। काफ़ी लाइट वेट है यार, अगर मैं इसकी बात करूँ इसमें है क्या क्या चीज़, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ बिल्कुल हल्का है, जैसे हम इसको कह सकते हैं पाइया का है, पाइया मतलब 250 ग्राम 250 ग्राम मतलब की, ठीक है, जो कि काफ़ी हल्का है यार। और ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, इस पर DSLR कैमरा भी लगा सकते हैं, मोबाइल भी लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब कि चीप प्राइस के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं इसको खोलने का, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी क्लिप खोलेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्लिप स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, इसको हम लॉक कर देते हैं दोबारा से ताकि लेना ओके, तो देन फाइन। तो अब देखते हैं इसकी मतलब कि थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद कि ये इसको कहाँ पे लगाना है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले बात देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे पूरा खोल के इसको नीचे कर लेते ताकि ये फिक्स हो ही लेना, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब ये देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा यहाँ पे रोटेट हो जा रहा है 360 डिग्री पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ये मोबाइल वाला कि इसको कैसे यूज़ करना है उस मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और देन इसके अंदर हम इसको यहाँ पे फिट कर देंगे, ठीक है, जो इसके अंदर होल होता है एक छोटा सा, शायद आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे पता नहीं मुझको, बट यहाँ पे एक कील लगा हुआ है, तो इसके अंदर हम इसको यहाँ पे पूरा फिट कर देंगे। और पीछे से यहाँ पे इसके पीछे घुमाने वाला है, यहाँ पे शायद आपको ना दिखे बट जो आप मंगाओगे तो आप देख लेना उस तरीके से, बट यहाँ पे इसको पूरा घुमा देता हूँ मैं और इसको फुल यहाँ पे टाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो चुका है टाइट और हम इसको ऐसे करके यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम वैसे बनाना चाहें अपना फ़ोन ऐसे रख के यहाँ पे, ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमको रोटेट करना है तो हम इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो देखो काफ़ी चीफ प्राइस में है, तो इससे बेस्ट आपको चीज़ नहीं मिलने वाला, ठीक है, बिल्कुल कम लो बजट अगर आपका है तो आप ये परचेज़ करो। बाकी वजन की बात रही, इसमें आप 5 किलो तक का वजन कर सकते हो, और जो कि हालांकि काफ़ी लाइट वेट है यार, 250 ग्राम कितना होता है, बिल्कुल कम होता है। और इसमें देखा जाए तो 360 डिग्री है यार, जो कि काफ़ी अच्छा, आप हर एंगल पर इसको शूट कर सकते हो, चाहे आप अगर मूवी शूट करना चाहो शॉर्ट मूवीज़, या फिर अपना इंस्टाग्राम का रील बनाना चाहो, या फिर शॉर्ट्स बनाना चाहो, आप किसी भी वीडियो के लिए आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है और मुझे तो काफ़ी पसंद आया, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया है और जो कि मेरे पास आ चुका है। और अगर आपको चाहिए तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली उसको परचेज कर सकते हो। तो बस ये था इसका रिव्यू और आई होप कि आपको शायद ये अच्छा लगा होगा, बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपने परचेज करना है तो आपको मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी यार बिल्कुल कम बजट के अंदर ये तो बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने परचेज़ कैसे किया, वो 58 रुपीज़ के अंदर। सबसे बड़ी बात देखो, उसके लिए मेरे पास क्या था कि जो मेरा मोबाइल नंबर था वो मेरे भाई के शॉप पर लगा हुआ था अमेज़ॉन की तरफ से एज ए मर्चेंट अकाउंट, ठीक है, तो जो काफ़ी ट्रांजेक्शन पर आती थी, मतलब ये नहीं कि मैं उसको किसी को भेजता था, बट जो लोग मेरे को वहाँ पे कस्टमर आते थे तो मेरे नंबर पे वहाँ पे ऑनलाइन वहाँ पे पैसा मतलब कि जमा कराते थे, तो उसकी वजह से मेरे को कुछ रिवॉर्ड मिलता था, तो जिसकी वजह से 200-300 रुपये ऐसे कुछ समथिंग बन चुका था। और एंड पे मैंने जब देखा तो मैं काफ़ी अच्छा बन चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी के ऊपर लगा देता हूँ, तो मैंने जितना मतलब 240-41 रुपये बन रहे थे तो वो मैंने क्या किया इसके अंदर अमेज़ॉन में ऐड कर दिया और अपनी तरफ से 58 रुपये सिर्फ लगा दिया, ठीक है। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है, अगर आप किसी शॉप वाले को जानते हो जिसके मतलब ऑनलाइन वहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आप अपना नंबर भी देके मर्चेंट अकाउंट अपना बनवा के आप खुद प्रॉफिट ले सकते हो और बाकी दुकानदार का भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने भी अपना 58 रुपये में ये परचेज़ किया, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी शायद ऐसी स्कीम कुछ मिल जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही, और अगर YouTube के लिए कुछ भी आपको क्वायरीज है या फिर कुछ
कुछ भी हेल्प चाहिए या फिर कुछ भी आपने सीखना तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। काफ़ी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगे जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। और बाकी कुछ हो तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। बाकी मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।